हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं अमरजीत नंदा स्वागत करता हूं आपका केटीवी न्यूज बठिंडा में। आज हम मौजूद हैं मैना चौक में, जहां हम बात करेंगे आज एक स्पेशल पर्सन की। बिल्कुल स्पेशल पर्सन है अपनी कुछ खास खूबियों की वजह से। आज चलते हैं हम उनके घर, तो बिल्कुल मेरे पीछे उनका घर है, तो चलते हैं ठीक उनके घर अभी हम। आप जुड़े हुए हैं केटीवी न्यूज बठिंडा के साथ, मैं अमरजीत नंदा स्वागत करता हूं आपका राजा पंजाबी के घर में। और इस वक्त राजा पंजाबी हमारे साथ मौजूद हैं, करते हैं उनसे बातचीत। राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केटीवी न्यूज बठिंडा में। अच्छा राजा जी, क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चली है कि आप यहाँ मैना चौक में रहते हैं, और ये आपका खुद का घर है या क्या है, आप थोड़ी जानकारी दें। किराए पे है, आप किराए पे रहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज आप? बस कहना क्या ही, आप आ गए, आपका धन्यवाद जी। हमें ये सुनने को मिला कि आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, है ना? रंगमंच में आपने बतौर, मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारे जो कि सिंगर्स हैं उनके साथ मौजूद हैं, आप एंकरिंग भी कर रहे हैं और सिंगिंग भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हाँ जी, सिंगिंग करते थे पहले जी। हाँ जी, और थोड़ा सा बस एक बार मेरे कोई चांस बन गया था, सर पे चोट लगने के कारण थोड़ी सी मतलब के वो जो याददाश्त होती उसको थोड़ा सा भूल गए थे हम अपना जो भी था। और फिर एक साल डेढ़ साल हॉस्पिटल में रहे, कोमा में जिसको बोल देते हैं जी, 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 जी। तो उसके बाद फिर ज़्यादा वापस आए थोड़ा सा, तो फिर इधर जो भी अपना ये सभ्याचार ग्रुप वगैरह होते हैं उनके साथ जाने लगे, तो धीरे धीरे अपना काम करने लग गए। राजा जी, आपकी वैसे मैं हाइट की अगर बात करूं तो महज की कितनी हाइट है, और आपको क्या लगता है, मतलब क्या कहना चाहेंगे अपने विषय में? जो भी है ठीक है, जितनी भी है, 4 फुट हाइट है मेरी जी। हाँ, कभी हाइट को लेकर के किन्हीं समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है क्या? बस जो भी है, कभी इनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता है तो थोड़ा सा बस इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी हाँ, ज्यादा परवाह नहीं करते कि लोगों का काम है कहना, हमें उससे कोई वो नहीं है। हाँ जी हाँ, बस जी। अच्छा, आप मैं देख पा रहा था कि आप सिंगर्स के साथ में भी हैं, है ना? तो जैसे गुरदास मान के साथ मैंने आपको देखा, राज ब्राड जी के साथ में भी आपकी फोटोज लगी हुई है, तो क्या कभी इन सिंगर्स के साथ में अभी मुलाकात होती है या कोई बातचीत होती है? नहीं, अभी नहीं होती है। तो कहने का मतलब, जब पहले सिंगिंग करते थे तो सभी कलाकारों से कहीं ना कहीं शौक होता था गाने का जी। तो चाहने वाले खुद बुला लेते थे, इनवाइट कर लेते थे मेरे को जी। कि आज ये सिंगर लगा हुआ है, आप भी गाओ आकर। हाँ जी जी हाँ। अच्छा, कुछ गा के सुनाना चाहेंगे आज हमारे चैनल के जरिए? वैसे तो मैंने छोड़ रखा गाना थोड़ा बहुत, फिर भी कोई 2 लाइनें जो आपकी, जो बहुत, अगर आप कभी अकेले रहते हो या मतलब फील करते हो कि आज कुछ गुनगुनाया जाए, तो ऐसा कोई गीत जो आपकी खुद की नज़र में हो और बहुत ही पसंदीदा हो आपका? चलो, आप कहते हो थोड़ा सुना देते, मगर मैंने इसके तरफ अभी ध्यान ही नहीं दे पा रहा ना जी। हाँ जी हाँ, बस समझ लिया कोई भी है तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, 2 लाइन ही सुना दीजिए। हूँ वैरी जालमां दे हत्थां विच सजना है वे सजना, वैरी जालमां दे हत्थां विच सजना है वे सजना, हाए जाल मां दे हत्थां विच सजना साडे तां सब चा विक गए, असी हीरियां दे नाल वध कीमती कौडियां दे पा विक गए, हाए कौडियां दे पा विक गए, असी हीरियां दे नाल वध कीमती कौडियां दे पा विक गए, कौडियां दे पा विक गए। वाह क्या बात है, आपकी तो आवाज ही बहुत अच्छी है। बस बस ऐसे एक किस्मत जहाँ रखे हुए रहना पड़ता है। ओके, अच्छा ये बताएं जरा, आपके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है? बस मैं और मेरी बहन है, बांजा जी, बस तीनों है, 2 बांजी है, वो शादीशुदा मैरिज कर रखी उनकी। हाँ जी, और
उनके जो सिस्टर के घर वालों की डेथ हो चुकी है, अब दोनों ही हैं जी। अच्छा, जो आपकी भांजी है वो भी आपके साथ में, या मतलब मैरिज हो चुकी उनकी? नहीं, वो तो मैरिज हो चुकी है बस वैसे ही। ओके, आप अपने यहाँ पे अपनी बहन के साथ में रहते हैं? हाँ, वो बहन के साथ ही रहते हैं हम दोनों बस। ओके, ठीक है। तो क्या KTV चैनल के जरिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को, कोई खास मैसेज जो चैनल के जरिए आपको इस वक्त देख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? बस नहीं, क्या कहना ही कि अपना बढ़िया से रहो, बढ़िया काम करो जी, अपने घर के वालों का ख्याल रखो, बस यही कहूँगा और क्या। सो ये थे राजा पंजाबी, जो तमाम मुश्किलों के साथ अपनी लाइफ को अभी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम मुश्किलों को दरकिनार करके जीवन के संघर्ष में आज भी लगातार तत्पर हैं। और ऐसे लोग जब तक समाज में मौजूद हैं, ये हमारे लिए भी, हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है एज ए सिविलियन, एज ए नागरिक होने के नाते, कि इन लोगों को एक इनका स्टेज दें, एक परफॉर्मेंस दें, ताकि ये भी एक समाज में एक संपन्न जीवन जी सकें। आप मेरे साथ जुड़े हुए अमरजीत नंदा, कैमरामैन खान के साथ। हर लाइफ का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है।